Hello all the JEE aspirants, this is me Satyan Sharma, BTech first year student here at IIT Jammu. In this video, we are going to discuss that if you have reached in class 12th and still have not started your JEE preparation or you have wasted your class 11th, then what should be the roadmap to crack JEE with a very great rank. Without wasting your time, let's begin the video. JEE stands for Joint Entrance Examination and it is an examination to get admission in reputed institutes like IIT, NIT, IIIT and to do BTech. Okay, BTech ke liye hota hai JEE and it is conducted in two parts. JEE mains, agar aap JEE mains crack karte ho, then you will get NIT and IIITs, and if you crack JEE advanced then you are going to get IITs. Okay, aur opening closing rank I would say ki tum ek baar net pe search kar lo, to opening closing rank bhi dekh loge to ek idea lag jayega kis rank pe kaun sa college band hota hai. And you can even search top colleges, top IITs. For example, top IITs are IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras, IIT Kanpur, Kharagpur, all that. Or NITs, NIT Trichy, NIT Calicut, NIT Warangal, these are the top NITs. In IIITs, IIIT Hyderabad, though it has a separate examination, IIIT Delhi, IIIT Bangalore, all these. Right? And now let's discuss ki ab 12th mein aage, 11th ho gaya hai kharab, to kya JEE abhi bhi crack ho sakta hai? Bahut logo ka ye question rehta hai ki bhaiya 11th waste ho gaya, aur waste hone ke bahut se reasons hote hain, mistakes hoti hain, aage discuss kar rahe honge. But abhi bhaiya hame ye batao ki kya JEE crack kar sakte hai abhi bhi? So the answer is yes, you can definitely crack JEE with a very great rank. Dekho, abhi tumhare paas around 1 ek se zyada hi saal hai, mere matlab 1.5 years mein bhi hon, kyunki JEE advance July mein hoga. तो हाँ, टाइम है तुम्हारे पास अच्छा खासा एंड यू कैन स्टिल प्रिपेयर. ठीक है, बहुत से रिसोर्सेज की बात कर रहे होंगे इस वीडियो में, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो. एंड इफ यू आर अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट तो ये वीडियो तो आपके लिए मस्ट है. कोचिंग स्टूडेंट्स का थोड़ा सा सपोर्ट रहता है कोचिंग का, तो वो उनको वहां से भी गाइडेंस मिल जाती है, बट आई वुड से कि यहां से भी गाइडेंस ले लो, बिकॉज मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं जिनसे मेरी और बेटर रैंक आ सकती थी, वो मिस्टेक्स की भी इस वीडियो में बात कर रहे होंगे. ठीक है, तो JEE क्रैक हो सकता है. अब जो क्लास 11th में मिस्टेक्स किए हैं, बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो तुम लोगों ने की होगी. मैं मिस्टेक से ही बात कर लेता हूं पहले. तो सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, राइट? और ये ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हो, क्योंकि तुम्हारे 10th में अच्छे मार्क्स आए होते हैं, तो तुम सोचते हो कि 11th में हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं क्लास 11th को. बट जो 10th और 11th के बीच का गैप है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो बहुत ज्यादा है. तो कभी भी तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्लास 12th में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. सेकेंड मिस्टेक, कोई भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है. बहुत से लोग क्या करते हैं, फिजिक्स, मैं ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो आगे भी हो सकती हैं, कि फिजिक्स मैथ्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री नेग्लेक्ट कर लिया, ये केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया, फिजिक्स नेग्लेक्ट कर दिया, ये नहीं करना है. ऐसा हो सकता है ना, जो तुमने सब्जेक्ट नेग्लेक्ट किया हो उससे काफी इजी क्वेश्चन आए, और जो तुमने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो उससे काफी टफ क्वेश्चन आए, तो तुम्हें वहां डिमोटिवेशन होगा. तो किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना. तीसरा, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट. बहुत लोगों ने क्लास 10th और 11th में किया होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो लोग, तो इन सब से भी थोड़ा सा तुम्हें अब डिस्टेंस बनाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सोशल जो लाइफ है वो एकदम ही मतलब अच्छे से तुम्हें जीनी है, हर बर्थडे पार्टी में तुम जा रहे हो, हर फैमिली फंक्शन तुम अटेंड कर रहे हो. नो, अगर तुम्हें रियली अच्छी रैंक लानी है तो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ये 3 से 4 मिस्टेक, ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम क्लास 11th में करते हैं. कुछ लोग कोचिंग नहीं लेते क्लास 11th में, फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, कोचिंग लेनी चाहिए. तो इफ यू रियली वॉन्ट तो आप कोचिंग कोई भी जाके ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, वहां से तुम्हें एक मेंटरशिप मिल जाती है, यहां से भी तुम्हें मेंटरशिप मिल रही हो, वहां से ही मिलेगी, तुम्हारा डबल बेनिफिट होने वाला है. राइट, ये तो बात हो गई मिस्टेक्स की. अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी क्लास 11th वेस्ट है तो तुम तब भी JEE क्रैक कर सकते हो, बिकॉज जो 11th का और 12th का जो वेटेज है JEE में, चाहे मेंस कह लो या एडवांस कह लो, 12th का अराउंड 60% रहता है, 11th का 40% रहता है. तो तुम देख रहे हो 60%, तुम उस 60% उस 40% के चक्कर में ही 60% छोड़ दोगे अगर तुम इस पे फोकस करने लग जाओगे कि मैं इसके बैकलॉग्स कंप्लीट करूं. वो भी डिस्कस करेंगे कैसे करने हैं, बट सिर्फ इस पे फोकस करने लगोगे तो ये वाला पार्ट तुम्हारा जाता जाएगा. इसलिए अभी तुम्हें 12th पे पूरा फोकस बना के रखना है. 60% बहुत होता है. ठीक है, एक मैं रफ आइडिया दूं अगर तुम्हें क्लास 12th के सिलेबस का, तो फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इससे ही पूरा फिजिक्स तुम्हारा मतलब काफी कुछ कवर हो जाता है. और ये एडवांस के बहुत फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, राइट? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स भी, मतलब तुम अगर 2015, अच्छा मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत इजी चैप्टर है, तुम 2015 से लेकर 2019-20 तक के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो हर पेपर में मॉडर्न फिजिक्स के एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आए. तो देखो 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि अराउंड 20-25 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी. ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं JEE एडवांस में वो भी काफी हद तक इजी होते हैं. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के आ जाए वो थोड़े टफ होते हैं. तो फिजिक्स जो है ना क्लास 12th की, वो रियली रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली
फॉर जेई एडवांस, और हमें अपना टारगेट हमेशा एडवांस को बना के चलना है, राइट। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में पूरा क्लास 12th कैलकुलस से ही भरा है ऑलमोस्ट, ठीक है। वेक्टर 3D वाला पार्ट आता है थोड़ा सा, और वेक्टर 3D इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। उसके जेई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी रहते हैं। यू जस्ट हैव टू रीड एनसीईआरटी फॉर दैट एंड इट विल बी ओवर। कैलकुलस थोड़ी टफ हो सकती है, कैलकुलस के लिए भी रिसोर्सेज की बात करते हैं हम लोग। हाँ, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सबका इक्वली वेटेज रहता है, बट तुमने ऑर्गेनिक थोड़ी कम पड़ी रहती है क्लास 11th में, वो थोड़ा उसका वेटेज बढ़ जाता है। हाँ, क्लास 12th में तुम्हारी ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ये जो रिसोर्सेज हैं एडवांस के लिए, जेई एडवांस के लिए, वैसे तो मैंने जेई 2022 वालों के लिए भी बना रखा है, तुम वहाँ पे भी जा के देख सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कमेंट सेक्शन में, अगर तुम लोग मेंशन करोगे, राइट। तो ये तो बात हो गई कि सिलेबस क्या है क्लास 12th का, ठीक है, मिस्टेक्स की बात कर ली हमने। अब क्लास 11th का बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि 60% से ऐसा तो नहीं कि 60% क्वेश्चंस जो आएंगे वो सारे हमारे से बन जाएंगे, तो वो जो 40% है वो कहाँ से कवर करें। हाँ, तो क्लास 11th की बैकलॉग्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो तुम्हें हॉलीडेज पे अपना पूरा फोकस देना है, ठीक है। जो भी तुम्हें छुट्टियां मिल रही है बीच बीच में, उसमें एक एक दो दो घंटा तुम देते जाओ बैकलॉग्स को, वो अल्टीमेटली कवर अप होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बैकलॉग्स कवर करने में एक और जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि क्लास 12th का नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो तुम्हें नहीं करना है, राइट। क्लास 11th का ही तुम्हें, मतलब क्लास 11th दोनों करते रहना है साइड बाय साइड। क्लास 11th को एक से दो घंटा देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि तुम कंसिस्टेंटली दोगे ना तो वो बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं तुम क्लास 11th में कुछ भी पढ़ के नहीं आए हो, तो थोड़ा तुम्हारे लिए टफ हो सकता है, बट स्टिल यू कैन एंड आई नो यू गाइज विल मैनेज इट, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ रिवीजन स्ट्रैटेजी की, तो रिवीजन कैसे करना चाहिए भैया, अगर हमारा सिलेबस हो गया तो अब हम रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए यार मैं जनरली सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि वेटेज वाइज एनालाइज करो जो भी टॉपिक्स आए हैं जेई एडवांस में, जेई मेंस में, कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, वहां से रिवीजन शुरू करो, उसके PYQs सॉल्व करो। एंड ये PYQs इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल द जेई एस्पायरेंट्स। अगर तुम क्लास 12th में आ गए हो, अभी तक PYQs नहीं परचेज किए, देन ये वीडियो यहीं रोको, पहले PYQs ऑर्डर कर लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, बिकॉज PYQs लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ठीक है, वैल्यूज चेंज हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं जेई एडवांस में नए क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो जेई एडवांस प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट से ही आ जाते हैं, तो तुम्हें उस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो PYQs करे तुमने, और हाँ मतलब यही रहता है, PYQs मेन रहता है, अदर देन दिस रेफरेंस बुक्स मैंने बोला वीडियो में, मैं बता ही देता हूँ इस वीडियो में, सेंगेज वगैरह ले सकते हो तुम मैथ्स फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए तुम्हारी NCERT बेस्ट रहती है। इफ यू आर गोइंग टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो तुम्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, कोचिंग मटेरियल विल बी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाले हो तब मैं कह रहा हूँ कि बुक्स परचेज कर लो, राइट। तो रिवीजन के लिए मैंने बोला वेटेज वाइज एनालाइज करो कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन पहले शुरू करो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, राइट। और ट्राई करो यार कि जो तुम्हारे एवरेज टॉपिक्स हैं उनको इम्प्रूव भी करते जाओ साइड बाय साइड, ठीक है। जैसे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक, तीनों सब्जेक्ट के लिए एवरेज टॉपिक्स को टाइम दो, वो स्ट्रॉन्ग में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। फिर तुम्हें टाइम बचता है तो वीक टॉपिक्स को टाइम दो, वो एवरेज में कन्वर्ट होंगे, तो इससे क्या है तुम्हारे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी रिवीजन की। और एंड में अगर तुम छोटा सा, मुझे पता है ये डाउट आएगा तुम लोग, क्योंकि भैया क्लास 12th है, बोर्ड्स है, मम्मी पापा बोलेंगे बोर्ड्स पे फोकस करो, बट मेरे को IIT NIT जाना है, तो तुम अपनी सुनो यार, IIT NIT की ही तैयारी करो, JEE की ही प्रिपरेशन करो। अगर अभी से तो कोई फायदा नहीं यार बोर्ड्स का करने का, आराम से JEE की प्रिपरेशन करो, अच्छे तरीके से करो, अगर अच्छे तरीके से किए तो लास्ट के 1-2 महीने पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे तो हो जाएगा। PCM पे पूरा फोकस डाल दो, एंड अगर देखो लास्ट के 1-2 महीने में भी तुम लोग डेरिवेशंस वगैरह देखते हो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ तुम डेरिवेशंस भी अभी देख लो, बिकॉज जेई एडवांस में क्या होता है कुछ डेरिवेशंस के भी सवाल आते हैं, डेरिवेशंस में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो तुम्हें नया फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। इसमें ज्यादा आइडिया नहीं दूंगा, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है हाउ टू मैनेज बोर्ड्स अलॉन्ग विद जेई प्रिपरेशन, तुम चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो को, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और तुम्हें कोई और क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी क्लास 11th वेस्ट हुआ है, डजंट मैटर कि तुम क्लास 12th में जेई क्रैक नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे टॉप रैंकर्स भी होते हैं यार जिनकी 11th वेस्ट हुई होती है, बट वो 12th में अच्छा डिसेंट स्कोर लाते हैं जेई मेंस एज वेल एज इन जेई एडवांस। सो दैट्स इट, कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ UnchaAi।